Okay, let's continue with internal anatomy of the kidney. First slide. तो किडनी की इंटरनल एनाटॉमी कितने पार्ट्स है? पहला रीनल कॉलम, देन बेस ऑफ रीनल पिरामिड, देन रीनल कैप्सूल, रीनल पैपिली, रीनल कॉर्टेक्स, माइनर रीनल कैलिक्स, रीनल पेल्विस, लेफ्ट यूरेटर, मेजर रीनल कैलिक्स एंड रीनल मेडुला. रीनल मेडुला, ओके. लेकिन ये बहुत सारा यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटीज है ना, मतलब इतनी सारी चीजें याद कैसे रखनी थी कि एरोस तो है लेकिन एरोस समझ में नहीं आ रहे कौन सा एरो कहाँ पे जा रहा है, करेक्ट. तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. देखो तो रीनल कैप्सूल, तो यहाँ पे अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि रीनल कैप्सूल तो बोला है लेकिन जो हाईलाइट है उसको हम कैसे ऑब्जर्व करें, राइट. तो रीनल कैप्सूल के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करने वाले. एक्चुअल में किडनी की इंटरनल एनाटॉमी डिस्कस करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है रीनल हाइलम. रीनल हाइलम क्या होता है? द पॉइंट ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ रीनल आर्टरीज, रीनल वेन्स, लिम्फैटिक वेसल्स, नर्व्स एंड एनलार्ज्ड अपर एक्सटेंशन ऑफ यूरेटर. तो जहां से ब्लड वेसल्स, नर्व्स, लिम्फैटिक्स किडनी के अंदर आते हैं एंड जहां से वो बाहर जाते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं रीनल हाइलम. ये चीज याद रखना, ओके. तो अभी हम डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं रीनल कैप्सूल के साथ. तो रीनल कैप्सूल को तो हम हाईलाइट कर लेते हैं, बाकी चीजों को हटा देते हैं. अभी देखो, अभी आपको रीनल हाइलम, रीनल कैप्सूल क्लियर कट दिख रहा है. जो ऑरेंज हाईलाइट है किडनी के अराउंड, इसको हम कहते हैं रीनल कैप्सूल, जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी, मोस्ट इनर लेयर, ओके. इसका डिस्क्रिप्शन क्या कहता है? द प्रोटेक्टिव लेयर विच इज मेड अप ऑफ स्मूथ ट्रांसपेरेंट शीट ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. ये इसका मेन डिस्क्रिप्शन है. उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था मास ऑफ फैटी टिश्यू, दैट इज एडिपोज टिश्यू. उसके बाद हमने रीनल फेसाई के बारे में बोला था, विच इज मेड अप ऑफ थिन लेयर ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. तो रीनल कैप्सूल का ओवरऑल फंक्शन यही है कि किडनी को प्रोटेक्ट करना है एक्सटर्नली, ठीक है. सेकेंड पॉइंट, रीनल कॉर्टेक्स. तो रीनल कॉर्टेक्स क्या है? द रीजन लोकेटेड नेक्स्ट टू द रीनल कैप्सूल. तो रीनल कैप्सूल के ठीक आगे का जो रीजन है उसको हम कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स. इट हैज द रिच सप्लाई ऑफ ब्लड कैपिलरीज. उसमें सबसे ज्यादा ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट वन इज रीनल मेड्यूला. तो अभी हमने बाकी की चीजों को हटा दिया है, सिर्फ जो मेड्यूला कहते हैं, मेड्यूला मतलब मिडल सेक्शन ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गन. तो इसमें कौन कौन सी चीजें आती है? इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल कोन शेप्ड रीनल पिरामिड. ये किससे बना हुआ है? रीनल पिरामिड से बना हुआ है जिसकी कोन शेप्ड होती है, विद देयर अपाइसेस कॉल्ड एज रीनल पैपिली पॉइंटिंग टुवर्ड्स रीनल हाइलम. अभी यहाँ पे दो वर्ड्स नए हैं आपके लिए. क्या बोला इन्होंने? वो पिरामिड शेप एक स्ट्रक्चर है जिसका अपाइस, अपाइस मीन्स टॉप पोर्शन, बेस मीन्स लोअर पोर्शन. तो उसका जो टॉप पोर्शन है जो उसको हम कहते हैं रीनल पैपिली विच इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स रीनल हाइलम. तो आप जो ट्रायंगल देख रहे हो, तो ट्रायंगल का जो नैरो सेक्शन है वो रीनल हाइलम की ओर उन्हें डायरेक्ट हुआ है, मतलब वहां पे उसकी जो डायरेक्शन है वो पॉइंट आउट कर रही है रीनल हाइलम के साथ. इट ऑल्सो इंक्लूड अदर पार्ट सच एज रीनल कॉलम, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स एंड रीनल पेल्विस. ये सारी चीजें नेक्स्ट स्लाइड में आने वाली है. तो ये है आपका टोटल रीनल मेड्यूला रीजन. सो जो रीनल मेड्यूला है उसमें जो पिरामिड्स है, पिरामिड्स के बीच में जो गैप है उसको हम कहते हैं रीनल कॉलम्स और कॉलम्स ऑफ बर्टिनी. इसका डिस्क्रिप्शन क्या कहता है? रीनल कॉर्टेक्स प्रेजेंट आउटसाइड एंड इन बिटवीन द रीनल पिरामिड इज कॉल्ड एज रीनल कॉलम और कॉलम ऑफ बर्टिनी. तो जो भी ट्रायंगल्स वहां पे पिरामिड्स प्रेजेंट है उसके बीच में क्या है? कॉर्टेक्स का एक्सटेंशन. सिंपल, वो कॉर्टेक्स ही है लेकिन उसका अलग नाम है, दैट इज रीनल कॉलम्स और कॉलम्स ऑफ बर्टिनी. नेक्स्ट है रीनल पिरामिड्स. थोड़ी देर पहले हमने मेड्यूला के बारे में बोला था, अभी हम सिर्फ और सिर्फ रीनल पिरामिड्स के बारे में बोलने वाले हैं, विच इज नथिंग बट ट्रायंगुलर सेक्शन ऑफ द टिश्यू दैट कॉन्स्टिट्यूट द मेड्यूला ऑफ द किडनी. एक ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रक्चर है, अराउंड कितने स्ट्रक्चर है? 3, 2, 5, राइट. 5 से 7 स्ट्रक्चर होते हैं.
तो ये जो स्ट्रक्चर है वो एक्चुअल में मेड्यूला को बनाता है. द पिरामिड कंसिस्ट मेनली ऑफ ट्यूब्यूल्स दैट ट्रांसपोर्ट द यूरिन फ्रॉम कॉर्टिकल पार्ट ऑफ द किडनी. तो कॉर्टेक्स में जो भी ब्लड का फिल्ट्रेशन एंड उसका जो काम है, उसके बाद जो यूरिन बनता है उसका ट्रांसपोर्ट करने का काम पिरामिड करता है. पिरामिड्स के अंदर क्या है, कुछ ट्यूबुल्स हैं जिसका काम है यूरिन को ट्रांसपोर्ट करना, वेयर यूरिन इज प्रोड्यूस एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कैलाइसिस. कैलाइसिस इज नथिंग बट कप शेप स्ट्रक्चर लोकेटेड इन किडनी, जो नेक्स्ट स्लाइड में आने वाला है, इन विच यूरिन कलेक्ट्स बिफोर इट पासिस थ्रू द यूरेटर टू द ब्लैडर. तो जो कैलाइस है, माइनर कैलिक्स मेजर कैलिक्स, उसका काम होता है पिरामिड से जो भी यूरिन आता है उसे कलेक्ट करके रखना है बिफोर इट इज पासिंग टू द यूरेटर. नेक्स्ट पॉइंट इज रीनल पैपिले. अभी तक हमने थोड़ी देर पहले एक पॉइंट डिस्कस किया था, रीनल पैपिले क्या होता है. अभी राइट हैंड टॉप कॉर्नर देखो, ट्रायंगल क्या है आपका, पिरामिड, उसका जो अपेक्स है उसको हम कहते हैं रीनल पैपिले, एंड जो बेस है वो नॉर्मल है, उसका कुछ अलग नाम नहीं है. तो अपेक्स ऑफ रीनल पिरामिड विच प्रोजेक्ट्स इनटू द ल्यूमेन ऑफ द कैलिक्स ऑफ द किडनी थ्रू विच कलेक्टिंग डक्ट डिस्चार्ज द यूरिन. तो ये जो एपेक्स रीजन है ये क्या करता है, ब्रॉडर रीजन से जो भी यूरिन बनता है उससे कलेक्ट करता है और फिर उसे ट्रांसफर कर देता है कैलिक्स को, जहां पे वो यूरिन को कलेक्ट करेगा एंड फाइनली यूरेटर में डिस्चार्ज करेगा. देन माइनर कैलिक्स, यहाँ पे दो टाइप्स के कप शेप स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है स्मॉल साइज, एक होता है मेजर साइज. तो आपको अभी जो रेड एरोज जो दिख रहे हैं, जो स्मॉल उस लोकेशन पे जो जो स्मॉल स्मॉल कप शेप स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं माइनर कैलिक्स, जिसका काम है रीनल पिरामिड से यूरिन को कलेक्ट करके लेना और उसे ट्रांसफर कर देना है यूरेटर को. देन मेजर कैलिक्स, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो जो माइनर कैलिक्स है उसका एक्सटेंशन है जस्ट मेजर कैलिक्स, विच इज लार्ज साइज कप शेप पार्ट ऑफ द किडनी. तो थोड़ा सा कंफ्यूजन था मुझे कि माइनर कैलिक्स एंड मेजर कैलिक्स का जो भी मैंने बनाया था ग्राफिक्स वो अच्छे से समझ में मुझे भी विजुअलाइज नहीं हो रहा था. तो इस इमेज में आप अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हो माइनर कौन सा है, मेजर कौन सा है. माइनर में जो कप शेप स्ट्रक्चर है वो छोटे छोटे है, मेजर में जो कप शेप स्ट्रक्चर है वो क्या है, यूनियन ऑफ माइनर कैलाइसिस. तो जो भी माइनर कैलिक्स है जो ये यूनाइट हो जाते हैं तब जो बड़ा वाला कप शेप स्ट्रक्चर बनता है इसको हम कहते हैं मेजर कैलिक्स. एंड देन रीनल पेल्विस, अभी रीनल पेल्विस का काम क्या होगा, रीनल पिरामिड ने यूरिन बनाया, माइनर कैलिक्स एंड मेजर कैलिक्स ने वो कलेक्ट किया. तो रीनल पेल्विस का काम क्या है, वो सारा यूरिन कलेक्ट करना है फ्रॉम मेजर एंड माइनर कैलिक्स से और उसको ट्रांसफर कर देना है यूरेटर में. तो रीनल पेल्विस इज द लार्जर कैविटी दैट कलेक्ट्स द यूरिन एज इट इज प्रोड्यूस्ड. तो फाइनल जो कलेक्शन होता है यूरिन का जिस कैविटी में होता है उसका नाम है रीनल पेल्विस. एंड देन लास्ट पार्ट इज योर यूरेटर, द डक्ट दैट ट्रांसमिट द यूरिन फ्रॉम किडनी टू द ब्लैडर. नॉर्मली देयर इज वन यूरेटर फॉर ईच किडनी. तो यूरेटर का काम क्या है, रीनल पेल्विस से पूरा यूरिन कलेक्ट करना है और उसे ट्रांसफर कर देना है ब्लैडर के पास. और हर एक किडनी के पास एक यूरेटर होता है. द ट्यूब इमर्जेस फ्रॉम ईच किडनी डिसेंड बिहाइंड द एब्डोमिनल कैविटी एंड ओपन्स इनटू ब्लैडर. तो आपकी जो एब्डोमिनल कैविटी है वहां से वो ट्यूब डिसेंड होके मतलब वॉट, नीचे जाती है और ब्लैडर में जाके ओपन होती है और वहां से ब्लैडर में यूरिन का कलेक्शन होता है. तो एक वीडियो देखते हैं ये एक्चुअल में होता कैसे. A pair of bean-shaped kidneys together receive around 25% of the blood pumped by the heart. Because it filters blood employing small filtration unit, nephrons to remove toxic waste. Inside the kidney, the outer deep red part named cortex is rich in blood capillaries and blood is filtered by nephrons Bowman's capsule in the cortex. The inner part, the medulla,
is pale, and this pyramid-like renal pyramids have bulk nephron tubules which carry the filtrate liquid. After reabsorption of essential materials in tubules, the liquid that reaches renal pelvis is urine. Ureter originates from renal pelvis. Ureter carry it to bladder for storing until the person urinates. Thus, kidney processes around 180 liter blood per day, producing 1 to 2 liter urine, assuming you drink minimum 3 liter water per day. ओके तो इंटरनल एनाटॉमी ऑफ द किडनी, इसमें किसी को कुछ डाउट है तो पूछो, नहीं तो हम नेफ्रॉन की ओर बढ़ते हैं। नो डाउट्स। ओके चलो लेट्स मूव टू द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी काम कर पाती है लेकिन किसके बेसिस के ऊपर? तो उसको एक सेल की जरूरत होती है, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की जरूरत होती है, उसको हम कहते हैं नेफ्रॉन। तो अगर हम इसको जूम इन कर लेते कि ये नेफ्रॉन एग्जैक्टली है कहाँ पे, दिखता कैसे है, तो ये है आपकी लेफ्ट साइड पे किडनी। इसका पूरा हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। तो जो किडनी का पिरामिड है उसका एक सेक्शन हमने थोड़ा सा जूम कर लिया। तो जूम करने के बाद ये जूमिंग में प्रॉब्लम ये है, स्ट्रक्चर हॉरिजॉन्टल है लेकिन आपने पिछले वाली स्लाइड में कुछ अलग देखा था, राइट? इस स्लाइड में कुछ स्ट्रक्चर ऐसा है, इस स्लाइड में कुछ स्ट्रक्चर टेढ़ा है। तो इसको हम पहले सीधा कर लेते हैं। ओके तो अभी ये स्ट्रक्चर सीधा हो चुका है लेकिन यहाँ पे थोड़े बहुत कॉम्प्लेक्सन है। मतलब कॉम्प्लेक्सिटीज क्या है एक्चुअल में? यहाँ पे नेफ्रॉन कितने ये कैसे डिटरमाइन करोगे? सिंपल, ग्लोमेरुल कितने हैं वो देखने। यहाँ पे दो ग्लोमेरुल है। ओके तो देखता हूँ इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सिंप्लीफाई किया है। हाँ ये स्ट्रक्चर देखो अभी। तो दिस इज द कंपैरेटिव स्ट्रक्चर। आगे में जो कुछ भी एक्सप्लेन करने वाला हो उसका मैं इस डायग्राम में से जो राइट वाला सेक्शन है उसे एज अ रेफरेंस यूज करूंगा। लेफ्ट साइड में आपको जो दिख रहा है वो एक्चुअल में नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, हाईली कॉम्प्लेक्स सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज। उसका जो अपर हाफ सेक्शन है उसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स, जो एक्चुअल में किडनी के कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होता है। एंड जो कलेक्टिंग डक्ट का पार्ट है एंड लूप ऑफ हेनले है वो मेड्यूला में होते हैं। तो अभी आगे से जितना भी डिस्कशन होगा तब याद रखना है कौन सा पार्ट मेड्यूला में है, कौन सा पार्ट कॉर्टेक्स में है। तो ग्लोमेरुल, देन पीसीटी, देन डीसीटी, ये तीनों पार्ट कॉर्टेक्स रीजन में आने वाले हैं। एंड जो आपका कलेक्टिंग डक्ट है एंड लूप ऑफ हेनले वो पूरी तरह से मेड्यूला रीजन में होने वाला है। तो हम इस स्ट्रक्चर के साथ ही आगे बढ़ेंगे। तो पहले तो इस स्ट्रक्चर को क्लियर कर लो। जितने भी स्ट्रक्चर आगे हम डिस्कस करने वाले हैं उसके अराउंड कैपिलरीज प्रेजेंट है लेकिन उसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने कैपिलरीज को यहाँ पे दिखाया नहीं है। तो जब भी मैं कहूँगा एब्जॉर्प्शन यहाँ पे होता है, वहाँ पे होता है, तो समझ लेना उसके अराउंड कैपिलरीज है। तो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन अबाउट नेफ्रॉन, स्लाइड नंबर 1। Discussion start karne se pehle, ek video dekh lo. The kidneys filter blood plasma,
Removing metabolic wastes, toxins, and excrete them in urine. During this process, they also maintain constant volume and composition of the blood, or homeostasis. Blood enters the kidney via the renal artery, which divides into smaller arteries, then arterioles. The arterioles get into contact with functional units of the kidney called the nephrons. This is where blood filtration and urine formation take place. The filtered blood then passes through a series of veins and exits the kidney via the renal vein. The urine is collected in collecting ducts and leaves the kidney via the ureters. Each kidney contains over a million nephrons. A nephron consists of two major parts, a glomerular capsule, or Bowman's capsule, and a long renal tubule. Renal tubules of several nephrons connect to a common collecting duct. There are three steps in the formation of urine: glomerular filtration, tubular reabsorption and secretion, and water conservation. Blood enters the Bowman's capsule via the afferent arteriole, passes through a ball of capillaries called the glomerulus, then leaves via the efferent arteriole. The afferent arteriole is significantly larger than the efferent arteriole, creating a blood flow with a large inlet and small outlet. As a result, the blood hydrostatic pressure in these capillaries is much higher than usual. Hydrostatic and osmotic pressures drive water and solutes from blood plasma through a filtration membrane into the capsular space of the nephron. The filtration membrane acts like a sieve, allowing only small molecules to pass through. These include water, inorganic ions, glucose, amino acids, and various metabolic wastes such as urea and creatinine, and make up the glomerular filtrate. The amount of filtrate produced per minute is called glomerular filtration rate, GFR. GFR is kept at a stable value by several feedback mechanisms within the kidneys, known as renal autoregulation. GFR is also under sympathetic and hormonal control. GFR regulation is generally achieved by constriction or dilation of the afferent arteriole, which causes the glomerular blood pressure to fall or rise, respectively. In a healthy person, the total filtrate volume amounts to between 150 and 180 liters a day. However, only about 1% of this is excreted as urine. The remaining 99% is reabsorbed back to the blood as the filtrate flows through the long renal tubule. This is possible because the efferent arteriole, after exiting the Bowman's capsule, branches out to form a network of so-called peritubular capillaries, which surround the renal tubule. The first part of the tubule, the proximal convoluted tubule, reabsorbs about two-thirds of the filtrate. In this process, water and solutes are driven through the epithelial cells that line the tubule into the extracellular space. They are then taken up by the peritubular capillaries. Sodium reabsorption is most important as it creates osmotic pressure that drives water and electrical gradient that drives negatively charged ions. Sodium levels inside the epithelial cells are kept low thanks to the sodium-potassium pumps that constantly pump sodium ions out into the extracellular space. This creates a concentration gradient that favors sodium diffusion from tubular fluid into the cells. Sodium is absorbed by symport proteins that also bind glucose and some other solutes. Nearly all glucose and amino acids are reabsorbed at this stage. About half of nitrogenous wastes also reabsorb back into the bloodstream. The kidneys reduce the blood levels of metabolic wastes to a safe amount, but do not completely eliminate them. Some of the reabsorption also occurs by the paracellular route through tight junctions between epithelial cells. At the same time, tubular secretion, where additional wastes and other solutes leave the bloodstream to join the tubular fluid, also takes place. The processes of reabsorption and secretion continue in the nephron loop, the loop of Henle, and the distal convoluted tubule. These parts of the tubule also have some other important functions. The main function of the loop of Henle is to create and maintain an osmolarity gradient in the medulla
that enables the collecting ducts to concentrate urine at a later stage. The ascending limb of the loop actively pumps sodium out, making the medulla salty. The descending limb is permeable to water, but much less to sodium. As the water exits the tubule by osmosis, the filtrate becomes more and more concentrated as it reaches the bottom. The ascending limb, on the other hand, is permeable to ions, but not water. As a result, the filtrate loses sodium as it goes up and becomes more diluted at the top of the loop. The medulla is in equilibrium with the loop and hence has the same salinity gradient, saltier, at the bottom. Reabsorption and secretion in the distal convoluted tubule are under control of various hormones. This is how the kidneys respond to the body's needs and adjust the composition of urine accordingly. The collecting duct receives tubular fluid from several nephrons. The main function of the collecting duct is to concentrate urine and therefore conserve water. This is made possible by the osmolarity gradient generated by the loop of Henle. As it gets saltier deep in the medulla, the filtrate loses water as it flows down the collecting duct. The collecting duct is also under hormonal control, so it can adjust the amount of reabsorbed water according to the body's state of hydration. For example, when the body is dehydrated, more water is reabsorbed back to the blood, and the excreted urine is more concentrated. That is nephrons and their one more video is there. We'll be right below. Structure. So each kidney is made up of thousands of tiny tubules that are called nephrons. Now the role of the kidneys in excretion is carried out by these individual nephrons. So by studying how a nephron works, we can then understand the overall function of the kidney. Now nephrons are way too small to be seen with the naked eye, and it's even difficult with a microscope to see it very clearly because of its winding structure. In a human, each kidney contains an estimated 1 million nephrons, and each of these nephrons have an approximate length of 3 centimeters. So this means that the total length of the tubules in each kidney is roughly around 120 kilometers, and this offers an enormous surface area for the exchange of the materials. So now that we know what nephrons are, let's look at their structure. Each nephron is composed of 6 regions, and each region has its own particular structure and function. The first region is called the Malpighian body, which is also known as the renal corpuscle, and this comprises of the glomerulus as well as the Bowman's capsule, which is also known as the renal capsule. The second region is the proximal convoluted tubule, which is then followed by the descending limb of the loop of Henle. The fourth region is called the ascending limb of the loop of Henle, and this is followed by the distal convoluted tubule. Finally, we reach the sixth region, which is called the collecting duct. Now, there are two types of nephrons, cortical nephrons and juxtamedullary nephrons. These are situated in different parts of the kidney and they have different uses. Cortical nephrons are found in the cortex, hence it's called cortical, and they have relatively short loops of Henle which just extend into the medulla. Now, under normal conditions of water availability, these nephrons deal with the control of blood volume, since shorter loops of Henle equal less surface area to absorb or retain water. On the other hand, juxtamedullary nephrons have their renal corpuscles close to, hence juxta, the junction of the cortex and the medulla. They have very long loops of Henle which extend deep into the medulla. Now, when water is in short supply, increased water retention occurs through the juxtamedullary nephrons, since longer loop of Henle means there is more surface area to retain water. Each nephron begins as a cup-shaped structure called a renal or Bowman's capsule, and it is found in the cortex of the kidney. The renal capsules of all the nephrons, regardless of the type, is found in the cortex of the kidney. Now, from the renal capsule, the tube runs towards the center of the kidney, first forming a twisted region called the proximal convoluted tubule, and then it makes a long hairpin loop in the medulla called the loop of Henle. The tubule then turns back up through the cortex and forms another twisted region that is called the distal convoluted tubule. Finally, it joins a collecting duct, which then leads down through the medulla and into the pelvis of the kidney. Here, the collecting ducts join the ureter.
Now, something to note is that blood vessels are closely associated with the nephrons. Each renal capsule is supplied with blood by a branch of the renal artery that is called the afferent arteriole. The blood is at very high pressure since the renal arteries are short and they're also not far away from the heart. This splits into a knot of capillaries in the cup of the renal capsule that is called a glomerulus. The capillaries of the glomerulus rejoin to form an efferent arteriole. The hydrostatic blood pressure in the glomerulus, as we mentioned before, is raised further by the fact that the diameter of the efferent arteriole, which carries blood away from the glomerulus, is much smaller than that of the afferent arteriole. So as the blood enters the narrow capillaries, pressure rises. The efferent arteriole then leads off to form a network of capillaries running closely alongside the rest of the nephron before linking up with the other capillaries to feed into a branch of the renal vein. This leads us to ultrafiltration. Now, ultrafiltration, as the name suggests, involves filtration under pressure. It looks at filtration on a micro scale. Ultrafiltration happens. Okay. तो आगे का सेक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दो बार वीडियो दिखाने का पर्पस ये था कि आपको विजुअलाइज हो जाए कि एक्चुअल में नेफ्रॉन दिखता कैसे है, लोकेशन कहाँ पे है, काम कैसे करता है, पार्ट्स कौन कौन से हैं, ईच पार्ट्स के क्या क्या फंक्शन है, तो उसका जस्ट एक ओवरव्यू था। अभी हम उसका डिस्कशन करने वाले हैं। तो फर्स्ट लाइन, नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। किडनी को अगर काम करना है तो उसे एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट की जरूरत है जिसका नाम है नेफ्रॉन। मार्क दिस पॉइंट फॉर एमसीक्यू। ईच किडनी कंटेन अप्रोक्सिमेटली 1 मिलियन सच यूनिट्स। हर एक किडनी में आपके 10 लाख यूनिट्स होते हैं नेफ्रॉन के। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। अ नेफ्रॉन इज कंपोज्ड ऑफ अ ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल। तो नेफ्रॉन को बनाने के लिए दो ही चीजें चाहिए, एक है ग्लोमेरुल, दूसरा है रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल इज सब डिवाइडेड फर्दर इंटू PCT called as proximal convoluted tubule, then loop of Henle and third distal convoluted tubule and last part is collecting duct. तो actual में nephron के दो ही parts हैं, glomerule and renal tubule. लेकिन renal tubule के चार part हैं। पहला है proximal convoluted tubule, दूसरा है loop of Henle, तीसरा है distal convoluted tubule and चौथा है collecting duct. लेकिन आपने कुछ यहाँ पे ऑब्जर्व किया, प्रॉक्सिमल, डिस्टल, फर्स्ट लेक्चर में हमने ये सारी चीजें डिस्कस की थी। प्रॉक्सिमल मीन्स व्हाट? नियर बाय। डिस्टल मीन्स व्हाट? अवे फ्रॉम। तो नियर बाय एंड अवे फ्रॉम मीन्स व्हाट? आपका जो ग्लोमेरुल है, ग्लोमेरुल मतलब नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज लोकेटेड इन बोमन्स कैप्सूल, जो हम आगे देखने वाले हैं, तो उसके नियर जो रीनल ट्यूब्यूल प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कन्वोल्यूटेड मीन्स हाईली कॉइल्ड, ठीक है? तो प्रॉक्सिमल मीन्स नियर टू द ग्लोमेरुल, कन्वोल्यूटेड मीन्स हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल। सेकेंड वन इज लूप ऑफ हेनले, एक यू शेप ट्यूब है जो आगे हमें दिखेगी। एंड देन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल मीन्स वॉट? अवे फ्रॉम। अवे फ्रॉम वॉट? ग्लोमेरुल। तो डिस्टल दैट इज अवे फ्रॉम, कन्वोल्यूटेड दैट इज हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल, एंड लास्ट पार्ट इज कलेक्टिंग डक्ट। तो इन सारी चीजों से बना हुआ होता है आपका नेफ्रॉन। देन एपिथेलियल सेल्स इन द ग्लोमेरुल्स एंड द रीनल ट्यूब्यूल प्ले वाइटल रोल इन डिटरमाइनिंग द परमेबिलिटी टू द आयंस, सॉल्यूट्स एंड वाटर, एंड हेंस फुलफिलिंग द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन फंक्शन एंड द ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन फंक्शन। तो जो भी एपिथेलियल सेल्स आपके ग्लोमेरुल में प्रेजेंट है एंड रीनल ट्यूब्यूल में प्रेजेंट है, वो ये डिटरमाइन करते हैं कौन से आयंस को बॉडी में रखना है, कौन से आयंस को एक्सक्रीट करना है, कौन सा सॉल्यूट बॉडी में रखना है, कौन सा सॉल्यूट एक्सक्रीट करना है, कितना वाटर बॉडी में चाहिए, कितना वाटर हमें एक्सक्रीट करना है। तो ये सारा डिसीजन कौन लेता है? नेफ्रॉन के ऊपर जो एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो सारे सेल्स इस चीज का डिसीजन लेते हैं। तो इसके लिए आप नीचे वाले डायग्राम में देख सकते हो, कुछ आयन सेल्स के अंदर आ रहे, कुछ बाहर जा रहे, कुछ न्यूट्रिएंट्स अंदर आ रहे, कुछ न्यूट्रिएंट्स बाहर जा रहे। तो ये जो पूरा कंट्रोल है ये पूरे नेफ्रॉन के एपिथेलियम के हाथ में है। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज बोमेंस कैप्सूल। इट इज द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ नेफ्रॉन हैविंग कप शेप स्ट्रक्चर। तो आप राइट हैंड साइड के डायग्राम में सिर्फ हाईलाइट देखोगे। हाईलाइट क्या है? मैंने सिर्फ बोमेंस कैप्सूल को कलर फॉर्म में रखा है, बाकी चीजों का कलर हटा दिया, ठीक है? तो आपको फोकस रखना है बोमन्स कैप्सूल के ऊपर। सो इट इज द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ नेफ्रॉन।
proximal means pehla end, top cup end. Then it is a proximal end of nephron having cup shaped structure. So iska jo structure hai wo cup like hai, having two layers, outer parietal, inner visceral. Ye aap pehle bhi dekh chuke ho in cardiac system, parietal layer, visceral layer. तो जो आउटर लेयर है उसको हम कहेंगे पैराइटल लेयर एंड जो इनर लेयर है उसको हम कहेंगे विसरल लेयर एंड द स्पेस इनक्लोज्ड बाय दिस टू लेयर्स इज कॉल्ड एज यूरिनरी स्पेस व्हिच कंटिन्यूस इनटू रीनल ट्यूबुल. तो नीचे वाले डायग्राम को जरा अच्छे से देखो. इनर लेयर को हम क्या बोल रहे हैं, सॉरी आउटर लेयर को हम क्या बोल रहे हैं, पैराइटल लेयर एंड इनर लेयर को हम बोल रहे हैं विसरल लेयर. डायग्राम में जो मैंने एरोज दिखाया वो थोड़े से गलत है लेकिन जो डिस्क्रिप्शन है वो सही है. सो आउटर लेयर इज योर पैराइटल लेयर, इनर लेयर इज योर विसरल लेयर. दोनों मिला के आपकी पूरी वुमेन्स कैप्सूल को बनाते हैं इनर एंड आउटर लाइनिंग. लेकिन उन दोनों के बीच में जो हॉलो स्पेस है वो जब कंटिन्यू होती है थ्रू आउट योर लेंथ ऑफ नेफ्रॉन तब वो बनती है यूरिनरी स्पेस, यूरिनरी हॉलो स्पेस, यूरिनरी ट्यूब्यूल. ये तीन नाम आपको दे सकते हैं. तो यूरिनरी स्पेस को बनाने के लिए हमें पैराइटल सेल्स की जरूरत पड़ेगी, विसरल सेल्स की जरूरत पड़ेगी और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं माल्फीजियन बॉडी. वो हमें नेक्स्ट स्लाइड में दिखेगा. विद इन दिस कप शेप स्ट्रक्चर देयर इज ग्लोबुलारा ग्लोबुलर नेटवर्क ऑफ द कैपिलरीज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस. तो ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है इसके अंदर जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस. तो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है मतलब वहां पे ब्लड आता होगा. तो यहाँ पे ब्लड सप्लाई करता कौन है, तो ब्लड सप्लाई टू द ग्लोमेरुलस इज प्रोवाइडेड बाय रीनल आर्टरी. तो ये रीनल आर्टरी कौन सी है, जो आपके किडनी को ब्लड सप्लाई करती है. अ थिन ब्रांच ऑफ द रीनल आर्टरी सप्लाइज ब्लड टू द ग्लोमेरुलस कॉल्ड एज एफरेंट आर्टेरियोल. जो आर्टरी आपके किडनी में ब्लड सप्लाई करती है वो है रीनल आर्टरी. उसकी छोटी ब्रांच है जो ग्लोमेरुलस में एंटर हो जाती है उसको हम कहते हैं एफरेंट आर्टेरियोल. और उससे भी एक थिन ब्रांच है जो ग्लोमेरुलस से बाहर निकलती है उसको हम कहते हैं इफरेंट आर्टेरियोल विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम ग्लोमेरुलस. आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो एफरेंट आर्टेरियोल वर्सेस इफरेंट आर्टेरियोल. दोनों में अगर डायग्राम हम कंपेयर करते हैं तो डायमीटर वाइज एफरेंट आर्टेरियोल ठीक है, इफरेंट आर्टेरियोल थिन है. ये करना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब किसी चीज का डायमीटर पहले ज्यादा होता है और बाद में कम होता है तब वहां पे क्रिएट होता है प्रेशर डिफरेंस. और जब भी प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा तब फिल्ट्रेशन अच्छे से होता है. ओके, सो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहेंगे माल्फीजियन बॉडी और रीनल कार्पसल एंड दैट होल इज ऑल्सो नोन एज बोमेंस कैप्सूल. ओके, नेक्स्ट पार्ट. ओके, तो पहला सेक्शन हम बोमेंस कैप्सूल का कवर कर चुके हैं. नेक्स्ट पार्ट इज योर पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल. रीनल ट्यूबुल अराइजेस फ्रॉम बाहर. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज रीनल ट्यूबुल व्हिच अराइज फ्रॉम बेस ऑफ बोमेंस कैप्सूल. तो जो बोमेंस कैप्सूल है हमने अभी जो डिस्कस किया था उसका जो बेस है वहां से हमारी रीनल ट्यूबुल ओरिजिनेट होती है एंड कनेक्शन बिटवीन बोमेंस कैप्सूल एंड स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रीनल ट्यूबुल इज कॉल्ड एज नेक. तो जो ग्रीन पोर्शन अभी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख, सॉरी जो येलो पोर्शन जो स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है जिसका कनेक्शन बोमन कैप्सूल के साथ है तो उस कनेक्शन पॉइंट को हम कहेंगे नेक. एंड नेक्स्ट टू द नेक रीजन देयर इज हाईली कॉइल्ड ट्यूबुल कॉल्ड एज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल which is also known as PCT, which has cells with brush border. Brush border का यही meaning है microvilli, which is nothing but finger-like projections. अभी ये जरूरी क्यों होता है, to increase the surface area of absorption. Okay? Next part is PCT continues into U-shaped tubule, which enter into medulla region of the kidney. तो PCT का आगे जो कंटिन्यूशन होता है वो यू शेप स्ट्रक्चर में होता है जिसका नाम है मेड्यूला. इट टेक्स हेयर पिन टर्न एंड रिटर्न टू द कॉर्टेक्स रीजन ऑफ द किडनी. तो आप ये स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, ये यू शेप स्ट्रक्चर है विच इज इक्विवेलेंट टू हेयर पिन एंड दिस यू शेप स्ट्रक्चर इज ऑल्सो कॉल्ड एज लूप ऑफ हेनले. इट हैज टू लिम्स, वन इज डिसेंडिंग लिम, अनदर वन इज असेंडिंग लिम. जो डिसेंडिंग लिम है वो वाटर के साथ परमिएबल है, मतलब यहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है.
एंड थिक वॉल्ड असेंडिंग लिम. तो जो असेंडिंग लिम है, जो अपर एरो है, वहां पे वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है. दैट इज द स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन अबाउट यू शेप लूप ऑफ हेनले. अभी लूप ऑफ हेनले का कंटिन्यूशन किस में होता है? दैट इज डी सी टी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल. आफ्टर री एंटरिंग इन टू द कॉर्टेक्स रीजन, रीनल ट्यूबुल अगेन गेट्स कॉइल्ड टू गिव राइज टू द डी सी टी. तो जो यू शेप स्ट्रक्चर था पहले, तो वो कंटिन्यूशन किसका है? पी सी टी का. पी सी टी में से ओरिजिनेट हुआ यू शेप लूप ऑफ हेनले, विच इज एंटर्ड इन टू मेडुला रीजन एंड रिटर्न बैक इन टू कॉर्टेक्स रीजन. तो कॉर्टेक्स रीजन में जाने के बाद वो बनाता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल. एंड लास्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज कलेक्टिंग डक्ट. द डी सी टी इज देन फाइनली कनेक्टेड टू द लास्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन कॉल्ड एज कलेक्टिंग डक्ट. इट इज अ लॉन्ग नैरो ट्यूब विच कलेक्ट्स द कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन एंड ट्रांसफर टू द रीनल पेल्विस. तो नेफ्रॉन का स्टार्टिंग पॉइंट है बोमन्स कैप्सूल एंड एंड पार्ट है कलेक्टिंग डक्ट. बोमन कैप्सूल से फिल्टर होते हुए जो भी पूरा यूरिन का जो भी कंपोजिशन है वो कहाँ तक पहुँचता है? कलेक्टिंग डक्ट तक. एंड कलेक्टिंग डक्ट का काम है जो भी कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन है उसे ट्रांसफर कर देना रीनल पेल्विस के पास. रीनल पेल्विस उसे ट्रांसफर कर देगा यूरेटर के पास. यूरेटर उसे ट्रांसफर कर देगा ब्लैडर के पास. ब्लैडर ट्रांसफर करेगा यूरेथ्रा के पास. यूरेथ्रा से वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा. सो दिस इज दीज आर दी पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन. लेट्स ट्राई. कैन यू टेल मी द फंक्शंस ऑफ किडनी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट? ट्राई तो करो किडनी के क्या फंक्शन हो सकते हैं.